अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह अपने सब परिवार के साथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से कार के माध्यम से वे सरयू तट स्थित सरयू होटल में पहुंचे। यहां से वे सीधे सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार गए और हनुमान जी की पूजा अर्चना एवं आरती के दौरान वे भक्ति भाव में लीन दिखे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने राम नाम और माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राष्ट्रपति का भव्य अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों को भी देखा। मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर राष्ट्रपति निहाल नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि यहां आकर हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया और उनका दर्शन करने को मिला। भगवान राम ने ही हमें संदेश दिया यहां आने का। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी आने वाली पीढ़ियों का कार्य कर रहे हैं, वहीं कहा कि मॉरिशस वे भी सनातन धर्म का विशेष मान्यता हम देते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा, दशहरा, यह सब हमारे यहाँ बराबर मनाया जाता है। बता दें कि इसके बाद राष्ट्रपति सिद्धपीठ कनक भवन पहुँचे और कनक बिहारी सरकार की पूजा अर्चना और आरती की। कनक भवन के दर्शन के बाद राष्ट्रपति सरयू होटल वापस चले गए, जहाँ भोजन करने के बाद वह दोपहर 1 बजे रवाना हो जाएंगे। रामनगरी के राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया है। हरे ओम स्वस्ति नृदय सर्वा स्वस्ति नोर्व विश्वेदा स्वस्ति नो हरिषण स्वस्ति नो लेहस्पतिदातो बृहद स्वामुद वृष्टिमादर गोमजमा विदले ये तो हमारा सौभाग्य हुआ कि प्रभु राम हमको यहाँ पर बुलाए और दर्शन किए, और ये तो सभी की भाग में नहीं है यहाँ पर आने को। ये तो हम सोचता है कि भगवान ही हमें यहाँ संदेश दिया आने को और उसका मार्गदर्शन करने के। जी वो जो जैसे बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुम्बकम, ये सब सृष्टि एक ही परिवार का है। वो तो एक कैसे मैं बोलूँगा, यही तो हिंदू धर्म का विशेषता है। सभी को मानती है यूनिटी में जीने का, रहने का, और वो जो कार्यक्रम वो काम यहाँ पर कर रहे हैं वाराणसी में कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तो रहेगा। उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जी 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 जी, वहाँ पर भी सनातन धर्म का विशेष मान्यता देते हैं हम, ऐसे कि शिवरात्रि, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब हम बराबर मनाते हैं, जैसे कि आप करते हैं यहाँ पर। सर, अयोध्या विजिट के बाद आपका क्या पूरा विजिट होगा अन्य स्थल? ये भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। भारत में तो काफ़ी जगह पूजा तीर्थ हम कर सकते हैं, करना चाहेंगे, देखेंगे कब बुलावा आएगा। दूसरी जगह में जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो हमने प्रयागराज भी गए थे, वाराणसी भी गए थे, साउथ में भी गए थे एक दो मंदिर, चेन्नई में गए थे, मुंबई में
सिद्धि विनायक गए थे, जैसे बुलावा आएगा हम पहुंच जाएंगे वहां पर। जैसे